प्रभात, मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका कक्षा 9वीं और 10वीं विषय हिंदी, हिंदी भाषा को लेकर भाग 3 में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रकरण 1 के भाग 3 को पढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए, और जो मैं सुविचार बोलने जा रही हूँ उसे आप अपनी जिंदगी में शामिल करिएगा। श्रेष्ठ व्यक्ति वही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज पूरे संसार में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? कोविड-19 का। और जो हमारी सेवा कर रहे हैं वो हमारे लिए ईश्वर की तरह है। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोलिए। आज का दिनांक 24/5/20 है। भाग 3, प्रकरण 1। प्रकरण 1 का नाम है बात अठन्नी की, जो एक कहानी है, और कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कहानीकार श्रीमान सुदर्शन जी हैं। श्रीमान सुदर्शन जी का परिचय मैंने आपको भाग 1 में अवगत कराया था, और भाग 2 में हमने बात अठन्नी की, जो एक शीर्षक है, उस शीर्षक की सार्थकता से अवगत कराया था कि पढ़ने का क्या उद्देश्य है और ये पाठ हमें क्या संदेश देता है। और आज हम भाग 3 में प्रकरण 1 के बात अठन्नी की में चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चरित्र चित्रण 2 शब्दों को मिलकर बना है। पहला चरित्र। तो बच्चों, चरित्र का क्या मतलब होता है? एक चरित्र का मतलब होता है आचरण या व्यवहार, और इस पाठ के अनुसार चरित्र का मतलब हुआ कथानक, या फिर जो व्यक्ति कथा वस्तु में यानी कि कहानी के अनुसार अपना स्थान रखता हो उसे हम चरित्र कहते हैं। चित्रण का क्या मतलब होता है बच्चों? चित्रण का मतलब होता है विस्तार पूर्वक चरित्र के बारे में बताया जाए उसे हम चित्रण कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पाठ के अनुसार जिस व्यक्ति का कथा वस्तु के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया हो उसे हम चरित्र चित्रण कहते हैं। और जब हम कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हमें चरित्र को जानना जरूरी होता है, क्योंकि चरित्र के बिना कहानी तो बन ही नहीं सकती। तो इस कहानी में 4 चरित्र उजागर किए गए हैं। पूरी कहानी 4 चरित्रों को लेकर बना हुआ है। सबसे पहले बाबू जगत सिंह, ये चित्र में आप देखिए, ये बाबू जगत सिंह है। दूसरा चरित्र रसीला, तीसरा शेख सलूमुद्दीन, और चौथा रमजान। बच्चों, पहला चरित्र का चित्रण इस प्रकार से है। पहला चरित्र बाबू जगत सिंह। पहला चरित्र कौन है बच्चों? बाबू जगत सिंह।
उनका पेशा, पेशा मतलब वो क्या कार्य करते हैं। बाबू जगत सिंह पेशे से इंजीनियर है। धन्य धान्य से संपन्न है। धन्य धान्य मतलब उनके घर में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पैसे कमाने में ही लगता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। दूसरा, वो दयालुता और निर्दयता भी है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। वो एक भ्रष्ट इंजीनियर है। इंजीनियर तो है लेकिन वो एक भ्रष्ट इंजीनियर है। संपन्नता के कारण समाज में उनका मान सम्मान है, लेकिन वो गरीबों को नीचता की दृष्टि से देखते हैं, उनके दुख तकलीफ को समझते नहीं हैं। वो रिश्वत लेते भी हैं और रिश्वत देते भी हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वो एक भ्रष्ट इंजीनियर है। रिश्वत लेते और देते कैसे हैं? कहानी के अनुसार उनके घर में एक व्यक्ति 500 रुपये एक कमरे में बंद होकर, एकांत में होकर, वो 500 रुपये वो व्यक्ति इंजीनियर बाबू जगत सिंह को देता है। इस पर भी बाबू जगत सिंह कहते हैं कि बस 500 रुपये, बस 500 रुपये तुम मुझे दोगे, इसके अलावा तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे। तो इससे ये पता चलता है कि वो रिश्वत लेते हैं। और रिश्वत देते कैसे हैं? उनके घर में दूसरा चरित्र जो था, जो मैं बाद में आपको अवगत कराऊंगी, रसीला। उनके घर में दूसरा चरित्र रसीला जो नौकर था, वो काम करता था। बेचारे रसीला को वो सिर्फ 10 रुपये मासिक वेतन ही दिया करते थे। किसी वजह से 58.50 के इर्द गिर्द जो कहानी घूमती है, उसके लिए उसे जेल में डलवा देते हैं। और जब वो जेल में डलवाते हैं, उसने अपना जुर्म कबूल किया। मारने पीटने के बाद भी उस रसीला ने बाबू जगत सिंह के सामने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन फिर भी बाबू जगत सिंह ने क्या किया? पुलिस वाले को 5 रुपये रिश्वत देकर उससे जबरदस्ती जुर्म कबूल कर रसीला नौकर को जेल में डलवा दिया। दूसरा, इन बाबू जगत सिंह का चरित्र चित्रण है दयालुता का सर्वत्र अभाव। वो दयालु बिल्कुल भी नहीं थे। उनके नौकर रसीला ने कितनी बार उनसे अपनी तनख्वाह यानी कि वेतन बढ़ाने को कहा, उन्होंने बिल्कुल भी उसके प्रति दयालुता नहीं दिखाई। तीसरा, निर्दयता, उग्र स्वभाव। वो बिल्कुल भी निर्दय नहीं थे, वो निर्दयता थे। उन्होंने रसीला अपने नौकर को 50 पैसे के लिए बहुत मारा पीटा और जबरदस्ती जेल में डलवा दिया। बच्चों, दूसरा चरित्र रसीला। रसीला का चित्रण इस प्रकार से है। रसीला, उसका पेशा क्या था? वो एक नौकर था। नौकर कहाँ पर था? इंजीनियर बाबू के घर में। इंजीनियर बाबू कौन? बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला नौकर का काम करता था और वह एक गरीब व्यक्ति था। नौकर से ही समझ में आना चाहिए कि वो घर का सारा काम करता था, इसलिए वो एक गरीब व्यक्ति था। इसीलिए कहानी बात 58 की में कहानीकार ने उच्च वर्गीय यानी कि इंजीनियर बाबू और निम्न वर्गीय यानी कि रसीला
के अंतर को दर्शाया है। रसीला के परिवार में कौन कौन था? रसीला के परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी, उसकी पत्नी, एक लड़की और दो लड़के थे जो गांव में रहते थे, उसके साथ नहीं रहते थे, रसीला के साथ नहीं रहते थे, ये सभी परिवार उसके गांव में रहते थे। रसीला को मात्र दस रुपये वेतन मासिक इंजीनियर बाबू दिया करते थे, कभी भी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। बच्चों, तीसरा चरित्र और उसका चरित्र चित्रण। तीसरा चरित्र शेख सलमुद्दीन था। शेख सलमुद्दीन पेशे से जिला मजिस्ट्रेट के सम्मानीय पद पर कार्यरत थे। जिला मजिस्ट्रेट का वो काम करते थे, लेकिन जितना उनका पद सम्मान्य था उस अनुसार वो कार्य नहीं करते थे, क्योंकि वो एक रिश्वतखोरी थे। वो रिश्वत के लिए काम करते थे, झूठ का सच और सच का झूठ बनाने में उनको जरा भी समय नहीं लगता था, क्योंकि वो रिश्वतखोरी थे, भ्रष्ट मजिस्ट्रेट थे। और उनके घर में एक चौकीदार का काम करता था, उसका नाम था रमजान, और नाम से ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वो एक मुस्लिम परिवार से थे। वो फलों के बहुत शौकीन थे, वो फल बहुत खाया करते थे, हर दिन वो फल खाया करते थे। और उन्होंने अपने कार्यरत में अपने पड़ोसी बाबू जगत सिंह के नौकर रसीला को रिश्वत लेकर झूठ का सच बनाकर और अठन्नी की हेराफेरी में उस बेचारे को 6 महीने की सजा सुना दी। बच्चों, चौथा चरित्र और उस चरित्र का चित्रण। चौथा चरित्र रमजान है, जो एक मुस्लिम परिवार का है, और उसका पेशा क्या है? उसका पेशा शेख सलमुद्दीन, जो एक जिला मजिस्ट्रेट थे, उसके घर में चौकीदार का काम करता था। वो बड़ा ही दयालु और निष्कपट व्यक्ति था। वो दयालु था, इस बात से पता लगता है कि उसका मित्र कौन था? बच्चों, उसका मित्र रसीला था, और उसके प्रति उसने मित्रवत की। मित्रवत मतलब उसने मित्रता निभाई, और वो मित्रता किस प्रकार निभाई? जब उसके दोस्त रसीला को उसके परिवार के लिए पैसे की जरूरत थी, तो रमजान ने कोठरी से निकाल कर रसीला अपने मित्र को दिया था। एक और चरित्र है जो अंतिम पाठ में बताया गया है, वो चरित्र है दासी का। वो एक दासी है, दासी भी इसमें है एक चरित्र, और वो दासी पाठ के अंतिम में आती है। जब रमजान कोर्ट्स के फैसले सुनकर आता है, तब वो दासी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब रमजान दासी को बोलता है कि रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी गई है 50 पैसे के लिए। तो इस प्रकार बच्चों, आज आपने भाग 3 में बात 8 की में चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ा। पहला बाबू जगत सिंह, दूसरा उसका नौकर रसीला, तीसरा शेख सलमुद्दीन जो जिला मजिस्ट्रेट थे, और जिला मजिस्ट्रेट के घर में चौकीदार का काम रमजान करता था, और रमजान का दोस्त रसीला था। बाबू जगत सिंह को मिठाई का शौकीन थे, और शेख सलमुद्दीन फलों के शौकीन थे। इस प्रकार से बच्चों, आपका भाग 3 खत्म हुआ। भाग 4 में मैं कहानी का सार से आपको अवगत कराऊंगी।
आप बच्चों, आप अपने माता पिता के साथ हमेशा खुश रहना। धन्यवाद।